साथियों, भारतीय रेल सिर्फ दूरियों को कनेक्ट करने का माध्यम नहीं है, बल्कि ये देश की संस्कृति, देश के पर्यटन, देश का तीर्थाटन को कनेक्ट करने का भी अहम माध्यम बन रही है। आजादी के इतने दशकों बाद पहली बार भारतीय रेल के इस सामर्थ्य को इतने बड़े स्तर पर एक्सप्लोर किया जा रहा है। पहले रेलवे को टूरिज्म के लिए अगर उपयोग किया भी गया तो उसको एक प्रीमियम क्लब तक ही सीमित रखा गया। पहली बार सामान्य मानवी को उचित राशि पर पर्यटन और तीर्थाटन का दिव्य अनुभव दिया जा रहा है। रामायण सर्किट ट्रेन ऐसा ही एक अभिनव प्रयास है। कुछ दिन पहले पहली रामायण एक्सप्रेस ट्रेन देश भर में रामायण काल के दर्जनों स्थानों के दर्शन करने के लिए निकल चुकी है। इस ट्रेन की यात्रा को लेकर बहुत अधिक उत्साह देशवासियों में देखने को मिल रहा है। आने वाले दिनों में देश के अलग अलग हिस्सों से कुछ और रामायण एक्सप्रेस ट्रेनें भी चलने वाली है। यही नहीं, विस्टाडोम ट्रेनों का अनुभव भी लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। भारतीय रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर ऑपरेशन और अप्रोच में हर प्रकार के व्यापक रिफॉर्म किए जा रहे हैं। ब्रॉडगेज नेटवर्क से मानव रहित फाटकों को हटाने से गति भी सुधरी है और दुर्घटनाओं में भी बहुत कमी आई है। आज सेमी हाई स्पीड ट्रेनें रेल नेटवर्क का हिस्सा बनती जा रही है। आजादी के अमृत महोत्सव में आने वाले 2 सालों में 75 नई वंदे भारत ट्रेनें देश भर में चलाने के लिए रेलवे प्रयासरत है। यानी भारतीय रेल अब अपनी पुरानी विरासत को आधुनिकता के रंग में ढाल रही है।